एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम पहुंचे हैं आज झुंझुनू के मंडावा विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है मंडावा से विधायक रीटा चौधरी। हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम बताइए, 5 साल में जनता से आपने क्या क्या वादे किए थे और कौन कौन से वादे हैं वो पूरे हो गए? मुझे काम करने का तो 4 साल का ही मौका मिला है। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में विकास के कामों की कोई कमी नहीं रही। यहाँ पर विकास के इतने काम हुए हैं कि हम लोग भी अगर पीछे मुड़ के देखें तो यूँ लगता है कि 60 साल के अंदर काम नहीं हुए, उतने काम हुए हैं और आगे शायद ये काम हो या नहीं हो ये मुद्दा रहेगा। यहाँ पर प्रशासन की दृष्टि से तहसीलों का निर्माण कराया, 3 तहसील है, 2 SDM हेडक्वार्टर है, नई पंचायत समिति मंडावा बनाई गई, यहाँ पे SDM बैठता है, तहसीलदार बैठता है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, उच्च शिक्षा के अंदर 6 कॉलेज यहाँ पर है, मैं लेकर आई, जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज है, वेटरनरी कॉलेज है, ITI कॉलेज है, 2 कन्या महाविद्यालय और 1 सह शिक्षा का कॉलेज है। मंडावा के अंदर पहले कोई उस शिक्षा के लिए कभी चूरू या झुंझुनू आना पड़ता था, लेकिन अब मंडावा के अंदर ही उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। महिला शिक्षा पर भी काफ़ी काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई, सड़कों का जाल बिछाया, घर घर पानी पहुंचाने का काम करा। 2008 से 2013 के बीच में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना ही कांग्रेस सरकार लेकर आई थी और आज घर घर पानी पहुंचाने का काम उसी डैम से किया जा रहा है, मंडावा के अलसीसर और मंडावा ब्लॉक के अंदर। उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर एक उपजिला अस्पताल मलसीसर में खुलवाया, CHC खुलवाई, PSC खुलवाई, नए सब सेंटर लेकर आए, तो काम तो खूब हुए, अनगिनत काम हुए। रिको आई है मलसीसर के अंदर, मंडावा के अंदर कामों में कोई कमी नहीं है, लोगों को चाहिए काम। और मेरा भी यही मानना है कि गांव के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को वो सुविधा मिलनी चाहिए जो एक शहर में बैठे व्यक्ति को मिलते हैं, उस तरफ मेरा प्रयास रहता है। मैम, उप जिला अस्पताल है वो खुलवा दिया, लेकिन अभी भी मरीज है वो झुंझुनू और जयपुर फिर किए जाते हैं? नहीं, वो इस बजट के अंदर खुला है और उस पर काम चल रहा है, उसका जमीन अलॉटमेंट हो गया, बिल्डिंग भवन उसकी बन रही है, काम चालू है उसका। तो धीरे धीरे एकदम से कोई चीज़ हम लोग लेकर आते हैं तो उसमें थोड़ा डेवलपमेंट में टाइम लगता है। तो आने वाले टाइम में आप देखना, 2 साल के अंदर मंडावा का तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। अभी चुनाव नज़दीक ही हैं, किन कि इस बार जो किन वादों और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? वादे तो नहीं होते हैं, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए काम किया जाता है और विकास का मुद्दा रहेगा। उसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, वो योजनाएं गरीब तबके को इतनी राहत पहुंचा रही है। हम लोग गांव में जाते हैं तो चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना हो, दुर्घटना बीमा योजना हो, चाहे राशन वितरण का काम हो, मोबाइल वितरण का काम हो, बिजली मुफ्त का काम हो, तो लोगों के अंदर इस कोविड काल के बाद जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और केंद्र की नीतियों की वजह से लोग त्रस्त थे, उनको राहत पहुंचाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया, तो उन योजनाओं को लेकर और मंडावा में विकास के कार्यों को लेकर चुनाव में जाएंगे। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना है, उसका पानी घर घर तक पहुंचना था, कहां तक पहुंचा मैं? उस पे काम चल रहा है, मार्च 2024 के अंदर उसका काम कंप्लीट होना है। पाइपलाइन डलने का काम तकरीबन सभी पंचायतों में, गांव में हो चुका है, उनको डैम से जोड़ने का काम है, तो इसका जो टारगेट है वो मार्च 2024 है, तब तक सब घरों के अंदर पानी पहुंच जाएगा। आपको 4 साल का वक्त मिला है, ऑल ओवर काम की बात करें तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं खुद को 10 में से 10 ही देना चाहूंगी, 10 में से 11 नहीं दे सकती, होता नहीं है, लेकिन 10 में से 10 है। तो ये थी हमारे साथ मंडावा से विधायक रीटा चौधरी, जिन्होंने अपने कामों को ऐतिहासिक बताया है, साथ ही 10 में से 10 नंबर दिए। हम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे भी जानेंगे विधायक के कार्यकाल को लेकर वो उनके कामों को 10 में से कितने नंबर देते हैं। एमएलए रिपोर्ट कार्ड में हम पहुंचे हैं मंडावा विधानसभा में। यहाँ पे फिलहाल विधायक रीटा चौधरी, उनके कामों को लेकर यहाँ के जो
मतदाता हैं उनसे बातचीत करेंगे, उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं और क्या क्या बाकी रह गए। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। आप ये बताइए, मंडावा की जो रीटा चौधरी है विधायक जी, क्या क्या काम करवा दिए, कितने आप संतुष्ट हैं? सब कामों से तो बहुत संतुष्ट हैं, काम से तो बहुत ही संतुष्ट हैं। क्या क्या काम करवा दिए? उसने SDM ऑफिस बनाया, तहसील बनाई, पहले उप तहसील लाई, फिर तहसील लाई, SDM ऑफिस से 3 साल में 3 काम बढ़ाए, लड़कियों की कॉलेज बनाई, मंडावा में रोडा बनाई, जो भी कोई पर्सनल छोटा मोटा काम वो भी किया। काम में तो 50 साल में विधायक लचूराम जी भी रह गए, नरेंद्र जी भी रह गए, चंद्रभान जी भी रह गए, रामनारायण जी भी रह गए, सबसे ज़्यादा काम कराया 3 साल में इसने। क्यों, 1 साल के बाद चुनाव लड़ा, 1 साल तक कोरोना खा गया, 3 साल में इतना काम कराया शायद ही किसी विधायक ने आज तक तो नहीं कराया। वोट वोट भाई पब्लिक का विचार है, कोई कहीं देता है, कोई लालच में देता है, कोई कहीं देता है, लेकिन अगर काम पे वोट देते हैं तो इसी को देना चाहिए। पानी और बिजली की समस्या हो? पानी और बिजली, बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है। ये बड़ा सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, शायद 5-4 महीने में ठीक हो जाएगा, पानी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी मंडावा की। और कोई काम है तो पूछ लो। अगर कामों की बात की जाए तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं तो 10 का 10 दूँ। सगले विधायकों को देखूँ ना, सगले विधायकों को देखूँ, जब उसके पापा को भी देखूँ तो 10 में से 10 देता हूँ। कोई भी देगा 10 में 10, मैं नहीं, कोई भी देगा। क्यों देगा, काम तो इसी ने किया 50 साल में। बाकी विधायक तो बहुत आए, नरेंद्र जी भी आए रहे हैं 5 साल, इतना काम तो किसी ने नहीं किया। तहसील बनाना मायना रखता है, दो तहसील, दो दो उपखंड मायना नहीं है क्या? दो दो तहसील बनाना मायना नहीं है क्या? क्या किसी विधानसभा में दो तहसील दो उपखंड नहीं है? मंडावा विधानसभा में ही है भाई इसी की। उनके कामों से संतुष्ट? मैं तो संतुष्ट जोर का हूँ साहब, कोई ना होगा, मैं तो जोर का संतुष्ट हूँ। आप बताइए विधायक जी के कामों, क्या क्या काम करवाए विधायक जी ने, आप कितने संतुष्ट हैं? काम तो साहब देखो कराए हैं विधायक जी भी, कराए हैं काम तो। क्या क्या काम करवाए? काम तो करवाए हैं, तहसील भी बनवाई है, SDM ऑफिस भी बनवाई है, काम तो करवाए हैं। सरकारी कॉलेज बना दिया। हाँ, सड़कों को लेकर कितना क्या काम? सड़कों का तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन और काम तो बहुत हुए हैं। नरेंद्र जी ने भी करवाया है, बाईपास करवाया है, और भी करवाया है, बाईपास पास करवाया है, ट्रेन का भी काम झुंझुनू में करवाया है। वोट हम तो नरेंद्र जी को देंगे, और माहौल भी नरेंद्र जी का बराबर का है, यही है बस। काम तो आप बोल रहे हैं रीटा जी ने करवाया है, काम तो करवाया, लेकिन विकास के नाम पे वोट गिरेगा या फिर चेहरे के? हम BJP को वोट देते हैं, BJP और चेहरे के वोट देते हैं। विकास पे ना? विकास पे, BJP को। अच्छा चलो, आप बताओ विधायक जी ने क्या क्या काम करवाए? जो ये अर्जुन जी कह रहे हैं वो सब काम विधायक जी, आपकी नज़र में बहुत बढ़िया काम कराए विधायक जी ने, दोबारा यही आनी चाहिए। 50 साल में नहीं हुआ कोई काम, इनके फादर ने भी नहीं करवाया आज तक, 54 खर्च नहीं की जितना विधायक जी ने किया है, और तो क्या होता है, बढ़िया से बढ़िया है। बाकी तो पब्लिक का रुझान है, पब्लिक कहीं भी दे सकती है, खुद का मत देने का अधिकार है उनको, जीतनी तो विधायक जी चाहिए, यही होता है वाजिब देने का भी विधायक जी को ही होता है, जो काम देता है उनको देना चाहिए, चेहरे पर नहीं देना चाहिए। अब काम आप कराते हैं नहीं, वोट मांगने आते हो तो अफसोस ही है, इन्होंने काम कराया तो इनका वाजिब है कि वोट मांगने का, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कामों की नंबरों से तुलना की जाए तो 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 है अपनी तरफ से, पूरे एकदम वेरी गुड वर्क कर इज रीटा जी MLA 8% राजस्थान। मंडावा विधानसभा में अभी भी काम अधूरा है, पाइप तो लग गए घर घर में, पानी अभी तक पहुंचा नहीं है, कब पहुंचेगा, 2 महीना में 4 महीना 6 महीने ये तो बता नहीं सकते, लेकिन घर घर में पाइप सबके घरों के आगे लगा गए। अब कनेक्शन कब देंगे, वो कब करेंगे, ये तो सरकार जाने, लेकिन पाइप हर घर के अंदर पहुंच गया है। हमारे मेरा घर भी, मैं भी अभी बसा हूँ यहाँ, मेरे घर में भी लाइन पाइप काट के छोड़ रखा है। अब काम कब होगा, अगले वाला ठेकेदार आएगा वो करेगा, ऐसे अपना अपना ठेकेदार वो कर रहे हैं, लेकिन काम से बहुत संतोष हो। वाकई लेडी है, इसको दूसरी ये भी नहीं है इसका कि यार ये चली जाएगी तो इसका दादा पोता पड़पोता कोई राज करेंगे, ये तो ऐसी जुझारू है कि जैसे झरझर कंथे को बोलते हैं ना, झरझर कंथा झाड़ने वाली है, जो मांगा वो देती है, कोई भी चले जाओ जिसको भी देती है, कोई भी जाए उसको दिया, किसी को नाराज नहीं किया। अब आपके घराली नहीं आई, पोस्टिंग कर दिया नहीं आई, तो वो नाराज हो रहा है, तो वो उसकी गलती है। अगर एक गलती एक बार होगी तो अब की बार ले आएगी, लेकिन अगर एक बार आपके घराली नहीं आई तो आप नाराज हो रहे तो गलत बात है। काम को वोट देते हैं तो इसको देते हैं, और बरगलाने से देते हैं तो नरेंद्र जी को देते हैं। काम के वोट इसी के पास है, सबसे जोर का काम किया साहब इसने, बहुत ही जोर का किया है,
ऐसा काम किसी भी विधायक ने नहीं किया आज तक, किसी भी विधायक ने ऐसा काम नहीं किया आज तक, ये बता रहा हूँ। और इनको पूछ लो किसी ने किया के, ये और खड़े इनको पूछ लो। कांग्रेस के लिए और सड़कें बना दी पूरी, तो और घरों में मतलब कि सब पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई, बस मैंने दो महीने में कनेक्शन हो जाएगा, और पूरे मोहल्ले में सड़कें डाल रखी है, और यहाँ सरकारी कॉलेज बना दिया, तहसील बना दी, उप तहसील बना दी। रिट्टा जी बहुत अच्छे विधायक। चिकित्सा को लेकर कितना काम हुआ? चिकित्सा को लेकर भी अच्छा काम चल रहा है, गहलोत ने किया वो, और गहलोत सरकार है ना, अच्छी सरकार है। नहीं विधायक जी ने यहाँ उप जिला अस्पताल खुलवाया ना? एक नहीं कई खुलवाए यहाँ, तो क्या करवाया? चिकित्सा मतलब कि अच्छी दवाई मिलती है, व्यवस्था अच्छी है, और डॉक्टर भी अच्छे हैं, और सब अच्छे हैं, मतलब कि दवाई रेगुलर देते रहते हैं, टाइम टू टाइम ड्यूटी देते हैं, और सब अच्छा है। नंबर की बात की जाए तो 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 नंबर देंगे, 10 में से 10 नंबर। कांग्रेस सरकार अच्छी सरकार है। विधायक जी ने चिकित्सा में क्या क्या काम करवाए? चिकित्सा में बस बहुत काम करवाया, गाँव में हॉस्पिटल करवा दिए, हर जगह बहुत सुविधा करवाई है। आनी तो चाहिए रीटा ही, मंडा में रीटा का ही आना है। आम जो बात करें हम बिजली की और सड़कों की, इसमें कितना क्या काम हुआ है? सर बहुत काम करवाया रीटा जी ने। बिजली भी आजकल दो एक डेढ़ घंटे में लग जाती है, पहले 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे, अभी तुरंत सुनाई होती है। 2 मिनट पहले तार टूट गया, आज 10 मिनट बाद आके सुधार देते हैं, इससे अच्छी और क्या सुविधा होनी चाहिए। मंडा बढ़िया है एकदम, रीटा जी बहुत काम करवाया। नरेंद्र जी ने रोड गिरवाई थी इधर से, इधर में भी देख लो पानी भरता है, पानी की रूप में आके देखो आप, समस्या हो जाती है सब दुकानदारों को। इतने इतने से टुकड़ा के लिए नरेंद्र जी ने पूरी स्थिति से करवा दी दुकानदारों की। बरसात के रूप में पानी भर जाता, पूरा ठेर तक का पानी है इधर, नहीं तो आगे जाने लायक रहे या नहीं, और सबका पानी इधर का इधर रह गया, नहीं नाले की तरफ। आप देख लो रोड की स्थिति कैसी कर रखी है। विधायक जी ने हमारे मंडा में बहुत अच्छे काम करवाए, एक तो तहसील बनवा दी, एसटीएम ऑफिस बनवाया है, सीवरेज का काम करवाया है, और भी रोड वगैरह हैं, और रोड मंडी है देखो तो हर समय। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या? कोई समस्या नहीं है, पानी बिजली बिजली पानी की, सड़कों की कोई समस्या नहीं। इस बार वो डालेंगे किन मुद्दों पे डालेंगे, विकास पे या कोई चेहरे पे? विकास के नाम पे डालेंगे। आप बताइए क्या? अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या क्या काम करवाए विधायक जी ने? कोई काम नहीं करवाया विधायक जी, ना ना कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ बीजेपी चाहिए, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी का ही दूसरा मोदी यहाँ पे है मंडा विधानसभा में, उसको वोट देंगे, नरेंद्र कुमार खिचड़। नहीं तो यहाँ की जनता तो बोल रही है काम करवाएं ना, काम सिर्फ मंडावा मंडावा में हुआ और गांव में कोई काम नहीं हुआ। क्या क्या होना चाहिए था गांव में? रोड का, चिकित्सा का, शिक्षा का, कोई काम नहीं हुआ गांव में, सिर्फ मंडावा मंडावा में काम हुआ सड़क का। तो आप नरेंद्र जी के चेहरे पर वोट देंगे या मोदी के चेहरे पर? मोदी के, नरेंद्र जी दोनों के, बीजेपी को देंगे। कोई भी आओ, हाँ कोई भी आओ, बीजेपी को देंगे। क्या क्या होना चाहिए था ये बता दो। रोड होनी चाहिए थी गांव के अंदर, शिक्षा में, चिकित्सा में, कोई कुछ भी नहीं है। बीजेपी आएगी तो काम होगा, अपराध कम होगा, इसलिए बीजेपी को लाना चाहते। विधायक जी के कार्यकाल की बात करें तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। आप बताइए, नहीं नाम बताइए, अपना नाम क्या? बनवारी लाल। बनवारी जी, विधायक जी ने क्या क्या काम करवाए हैं और क्या क्या रह गए जो होने चाहिए थे? काम तो कुल मिला के ठीक करवाए, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है, वोट नहीं डालेगी, बात यह है। संतुष्ट के नहीं, क्या कमी रहेगी? नहीं है कि सरकार लड़ती है आपस में उस लेवल पर सरकार लड़ती है, होटलों में रहते हैं, गजल सुनते हैं, मजा लेते हैं, दुनिया का पैसा पानी की तरह बहाते हैं, ये इंसानियत थोड़ी है, क्यों बर्बाद करते हैं जनता का पैसा, ये नुकसान है, इसलिए वोट नहीं देंगे। सरकार का असर विधायक जी पर भी पड़ रहा है? विधायक जी पर पड़ रहा है वो असर, क्यों नहीं थे क्या होटलों में, हैं मजे ले रहे थे, गजल सुन रहे थे, बेवफा का यूं मुस्कुराना, ये मजा सुन रहे थे, तो इनके क्या फर्क पड़ता है, इसलिए ये फर्क पड़ेगा, यहाँ नरेंद्र जीतेगा, नरेंद्र को वोट देंगे और वो नुकसान होगा। काम करवाए हैं लेकिन फिर भी हार होगी।
ये बात उसकी पड़ेगा पायलट और गहलोत का। कामों की तुलना की जाए तो कितने नंबर देंगे? की तुलना नंबर नहीं देंगे भाई, नंबर तो 3 नंबर देंगे, 10 में से 3 नंबर। क्या क्या होना चाहिए? क्यों नहीं, अरे भाई मैं तो ऊंचे लेवल की बात बता रहा हूँ, यहाँ काम को महत्व ही नहीं देंगे, ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, सीएम पद की रहा है इसलिए वोट नहीं देंगे। तो राहत शिविर लगाए हैं, तो लड़ना नहीं चाहिए था, राहत कौन देखता है? पहले पेंशन की नहीं की थी क्या? गहलोत ने शुरू में 500 रुपए गहलोत ने किए थे, ने जनता ने 21 सीटों पर लिया है, अरब 56 और 21 का औसत निकाल लो, इतनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? सीटें नहीं आएंगी। यहाँ काम का क्या फर्क पड़ता है? काम का क्या फर्क पड़ता है? गहलोत ने पहले गहलोत ने काम नहीं करवाए थे क्या? काम तो करवाए थे गहलोत ने, तो फिर क्यों 21 पर क्यों आ गया? ये बात है, तवज्जो नहीं देंगे। प्रियंका गांधी आई थी झुंझुनू में तो उन्होंने घोषणा की है कि महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। भाई ये फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी लड़ाई ने आपस में इसका कांग्रेस का भट्ठा बैठा दिया, जो सीट ही नहीं दे सकते, टाइम पर समय पर सीटों का आवंटन नहीं कर सकते, क्या राज चलाएंगे? वो राज कहाँ चलाएंगे? वो आज तक सीटों का आवंटन नहीं हुआ, रात को हुआ है तो नहीं होगा, सरकार बनना असंभव है। आप बताइए विधायक जी के कामों की नंबरों की तुलना की जाए तो कितने नंबर देंगे? नंबर तो मैं तो कह देंगे, तो नंबर आप अपनी नजर में तो दे सकते हो, मारो नंबर हम थोड़ी चले तो 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 में 10 दे दूंगा। यानी आप संतुष्ट हैं? हां संतुष्ट हम तो उनके कामों से। हां कामों से बिल्कुल संतुष्ट हैं। इस बार का मंडावा क्या माहौल है? अच्छा है। कौन जीत रहा है? वो जीत आ तो वाद की बात है, फिलहाल तो बढ़िया अच्छा है। आप भी बताइए थोड़ा सा, क्या-क्या काम करवाए? काम सब करवाए, कॉलेज बनवा दी, कृषि कॉलेज है, रोड बनवा दी, सीवरेज सब बनवाए। एक कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी घर घर तक पहुंचना था, वो भी गांव पहुंच रहा है। काम हो गया उसका? हाँ चल रहा है, काम चल रहा है। नंबरों की बात की जाए तो कितने नंबर दें? 10 में से 10। बाबूलाल जी बताइए, मंडावा की जो विधायक रेखा चौधरी, क्या क्या काम करवा दिए और क्या क्या बकाया रह गए? मंडावा विधायक ने बहुत अच्छे काम करवाए, मंडावा में पंचायत समिति खुलवा दी, मंडावा में SDM कार्यालय खुलवा दिया, मंडावा में ITI कॉलेज खुलवा दी, मंडावा में महिला कॉलेज खुलवा दी, अच्छा सड़कों का जाल बिछाया है, सीवरेज का काम करवाया है। मतलब विकास की दृष्टि से देखे तो हमारे वर्तमान विधायक ने बहुत अच्छे काम करवाए, और अब भी अगर जनता वोट नहीं देते तो मैं सोचता हूँ आने वाले समय में कोई भी विधायक ने अच्छे काम नहीं करवाएगा। और क्या क्या होना चाहिए? मंडा में विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पूरे विधानसभा में 2 पंचायत समिति बनाई मंडा विधायक ने, एक शायद मेरे विचार से पहला यही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ एक विधानसभा में 2 पंचायत समिति। मंडावा पंचायत समिति बनने से मंडावा के क्षेत्र के लोगों का विकास है ना, वो बहुत ज़्यादा हुआ, झुंझुनू जाना नहीं पड़ रहा, सारे काम यहीं हो जाते हैं, SDM से संबंधित कार्य हो चाहे पंचायत समिति से संबंधित कार्य हो, बहुत अच्छा काम कर रहा है मंडावा विधायक। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखे तो अस्पतालों को लेकर कितना काम हुआ? स्वास्थ्य की दृष्टि से मंडावा में जो हॉस्पिटल है उसमें अच्छे डॉक्टर लगाए हैं मंडावा विधायक ने, अभी शिशु रोग विशेषज्ञ भी, बच्चा रोग विशेषज्ञ भी, वो भी मंडावा विधायक ने लगाए हैं। पहले यहाँ कोई बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं बैठता था, अभी मंडावा हॉस्पिटल में बैठ रहा है, अच्छी सुविधाएं हॉस्पिटल की दृष्टि से। पूरे कामों की बात की जाए तो 10 में से कितने नंबर देंगे विधायक जी को? देखो मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, अगर मंडावा की जनता वर्तमान विधायक को अगर वोट नहीं दे रही है तो मैं मंडावा की जनता का दुर्भाग्य मानता हूँ, क्योंकि इतने विकास 200 विधायक हैं राजस्थान में, उनमें से सबसे ज़्यादा विकास कार्य मंडावा विधायक ने करवाया। नंबर कितने देंगे हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 ही दे रहा हूँ, पूरे नंबर दे। तो ये थे हमारे साथ मंडावा के मतदाता, जिनकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं वो सामने आई है, कई विधायक के कामों से संतुष्ट हैं तो कई मोदी के चेहरे पर वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ की जनता ने 10 में से 8 नंबर दिए हैं। इम्तियाज अली, NDTV झुंझुनू।